सच को नंगा देख पाने की हिम्मत सभ्य समाज में नहीं, इसलिए वो सच को ढांप देते हैं और फिर आडंबर करते हैं झूठ में सच ढूंढने की। हम रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं जिसमें बदलती खबरों के बीच एक खबर रोज आम होती है, और मैं आपको एक और आम खबर बताने जा रहा हूँ जिसने इंसानियत को फिर से नंगा कर दिया है। एक आदिवासी महिला को उसके ससुराल वालों ने नग्न कर दिया और प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद गांव में 1 किलोमीटर तक घुमाया। ये घटना शुक्रवार को सामने आई जिसमें उस व्यक्ति को उसका पति बताया जा रहा है और उसने उस महिला को पूरे गांव के सामने नग्न किया और उसे 1 किलोमीटर तक पूरे गांव में घुमाया, और उन अन्य लोगों को देखते हुए महिला के चीखने का वीडियो वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी और उसे पास के गांव में रहने वाले दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया और वो उससे मिलने दूसरे गांव चली गई। जब इसकी खबर गांव वालों और उसके पति को मिली तो वो उसे वहां से वापस लाए और वापस लाकर पूरे गांव के सामने उसे नग्न किया और पूरे गांव में घुमाया। और इतना ही नहीं, इस दौरान परिवार के लोग उस महिला का वीडियो बना रहे थे। राजस्थान पुलिस के DGP उमेश मिश्रा ने जाँच के आदेश दिए जिसमें पीड़िता का पति, ससुर और अन्य 10 लोग आरोपी हैं। और पुलिस ने ये भी बताया कि सूचना मिलते ही वो तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। प्रतापगढ़ के धरियावत पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहाँ एक बहुत गंभीर घटना घटी जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है, और जैसे ही पुलिस को पता चला पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वित्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और वहां जाकर उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया। घटना के विषय में जो जानकारी आई है प्रारंभिक रूप से, उसके अनुसार जो पीड़िता है इसके ससुराल पक्ष ने इतना ये सब कुछ घृणास्पद कार्य किया है, और महिला वो कहीं अन्यत्र चली गई थी, इससे रुष्ट होकर ससुराल पक्ष उसको अपहरण करके अपने गांव ले आए और फिर अपने घर के आसपास इस बर्बरतापूर्ण घटना को कारित किया है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पकड़ा धकड़ी किए जाने की पूर्ण संभावना है। रात में ही हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि रात में ही अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा, और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ADG क्राइम श्री एवं दिनेश को भी रवाना किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घटना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की है और उन्होंने भी सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो इसमें हम लोग शीघ्र ही कामयाब होंगे, अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा और फिर उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें फास्ट ट्रैक रूप में उसको लाया जाएगा और उनको सजा दिलाया जाएगा। अब क्या उस गांव के किसी भी व्यक्ति को इंसानों की श्रेणी में लेना ठीक होगा? वो हैवान जिसने ये हैवानियत की, उससे किसी भी तरह की उम्मीद करना तो बेवकूफी होगी। लेकिन वो लोग जो खुद को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं जो इस कृत्य को होते हुए देख रहे थे। लेकिन सिर्फ कारावास इसके लिए उचित दंड नहीं है, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन फांसी देने से भय का माहौल बनेगा जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इससे अपराधी का मन नहीं बदलेगा। बदलाव के लिए जरूरी है इस पर खुलकर बात किए जाना। स्कूलों और घरों में एक निश्चित आयु के बाद इस पर खुलकर चर्चा और ज्ञान, रिश्तों का मोल और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दिए जाना बेहद जरूरी है। नमस्कार।